अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेस्ट ऑन डिमांड। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सात ऐसे स्पेस सेविंग किचन रैक जिससे आपका किचन वेल ऑर्गेनाइज तो लगेगा ही, साथ ही आपके किचन को एक बढ़िया सा लुक भी देगा। सारे ही रैक्स का मेजरमेंट्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि अगर आपको ये परचेस करना है तो आपको आइडिया आएगा कि आपके किचन के लिए कौन सा सुटेबल है। आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट करें। सारे ही किचन रैक्स के लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेंगे, अगर आपको परचेस करना है तो आप चेक कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रैक है ये फोल्डेबल मेटल रैक। सबसे बेस्ट बात यह है कि जब यूज़ नहीं कर रहे हैं तब आप इसे इस तरह से फोल्ड करके रख सकते हैं। तो इसे किस तरह से ओपन करना है चलिए देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगा और साइड में जो दो हुक लगे हुए हैं उसमें ये शेल्फ फिक्स हो जाएगा। तो इसका लुक आप देख सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल है जो आपके काउंटर टॉप के लुक को इन्हेंस करेगा। आई एम श्योर ये रैक तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो ये रैक काफ़ी हेवी आयरन मटेरियल से बना हुआ है जिसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। इस तरह से लेग दिए हुए हैं ताकि काउंटर टॉप को साफ करना भी आसान हो जाए। तो इसका मेजरमेंट हम इंच में बताएंगे। इसकी चौड़ाई तकरीबन 12 इंच है और लंबाई में तकरीबन 16 इंच है। ऊपर का शेल्फ थोड़ा छोटा यानी 3 इंच है और नीचे का शेल्फ तकरीबन 5 इंच है और नीचे का शेल्फ लेंथ में 6 इंच है। काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है जिसमें आप कई सारी चीज़ों को अरेंज करके रख सकते हैं। रोज़मर्रा में लगने वाली छोटी छोटी चीज़ों को आप बड़ी आसानी से इसमें अरेंज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं इसका लुक काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और ब्यूटीफुल लग रहा है। सेल के दौरान हमने इसे मीशो से 279 में परचेस किया है और अमेजोन का प्राइस साइड में मेंशन कर लिया है। क्वालिटी सेम है लेकिन प्राइस का काफ़ी डिफरेंस है। अभी इसका प्राइस थोड़ा बड़ा हुआ है, तकरीबन 350 में आपको मिलेगा। तो आप सेल का वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रैक है ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ कॉर्नर शेल्फ। तो ये रैक हमें कुछ डिफरेंट सा लगा। इस तरह का एक कॉर्नर शेल्फ काफ़ी ट्रेंडिंग है तो उसी टाइप का ये शेल्फ है जिसमें लेग्स लगे हुए और तीनों भी शेल्फ पर रॉड लगे हुए हैं। तो तीनों ही शेल्फ का हम काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और इसका डिज़ाइन भी हमें काफ़ी पसंद आया। सपोर्ट के लिए साइड में रॉड भी लगे हुए हैं जिसकी वजह से हेवी वेट को भी ये अच्छी तरह से होल्ड करेगा। इस रैक की फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया है, कहीं से कोई भी शार्प एजेस इसके नहीं है। काफ़ी स्टर्डी स्टेनलेस स्टील मटेरियल से बना हुआ है। हमने इसे मीशो से 357 रुपीस में परचेस किया और अमेजोन पर इसका प्राइस साइड में मेंशन कर लिया है। कॉर्नर में रखने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। टोटल हाइट इसकी रहेगी तकरीबन 11 इंच और दोनों कॉर्नर्स की चौड़ाई रहेगी 9 इंच और दो शेल्फ के बीच की लंबाई रहेगी 5 इंच। तो आप देख सकते हैं इतने छोटे से शेल्फ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से अरेंज कर लिया है। कई तरह से आप आपके किचन में इसे यूज़ कर सकते हैं, काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज़ करें या फिर इसे इस तरह से कैबिनेट्स में रखें। आप देख सकते हैं बहुत सारी क्रॉकरी को हमने बहुत अच्छी तरह से अरेंज कर लिया है। नेक्स्ट है ये 4-tier मल्टीपर्पज़ शेल्फ जिसे आप किचन में ही नहीं बल्कि घर में कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ये आपको 2-tier, 3-tier, 4-tier और 5-tier में मिल जाएगा। क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो प्राइस के हिसाब से इसकी क्वालिटी बेस्ट है। इस तरह के स्टेनलेस स्टील के रॉड हैं जिनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसकी जो ट्रे है इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। कई सारा सामान अच्छे वेट के साथ भी आप इसमें कैरी कर सकते हैं तो प्राइस के हिसाब से क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसके साथ ये व्हील भी अवेलेबल है जो डिटैचेबल है, आप इसे आसानी से निकाल भी सकते हैं। सामान रखने के बाद भी आप इसे एक से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। इसकी मेजरमेंट्स की अगर बात करें तो लंबाई में 15 इंच है, चौड़ाई में 9 इंच और ट्रे की गहराई है 3 इंच, यानी काफ़ी सारा सामान आप इसमें बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसे असेंबल करना भी काफ़ी आसान है। अच्छा, दो शेल्फ के बीच की लंबाई टोटल 10 इंच है, यानी आप पानी की बॉटल्स भी इसमें रख सकते हैं जिनकी लंबाई ज़्यादा होती है। इस तरह से सिर्फ दो शेल्फ को असेंबल करके आप काउंटर टॉप पर भी रख सकते हैं। इसे तकरीबन एक साल पहले हमने परचेस किया था 550 रुपीज़ में, लेकिन अभी इसका प्राइस मीशो पर 524 रुपीज़ है। अमेजोन का प्राइस साइड में मेंशन कर लिया तो इसमें भी प्राइस का काफ़ी डिफरेंस आपको दिखेगा। इसमें आप अपने छोटे छोटे अप्लाइंसेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या फिर इसमें पैंट्री भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन बॉक्स को भी रख सकते हैं। इसका साइज़ इतना अच्छा है कि आप इसमें अपनी क्रॉकरी या यूटेंसिल्स को भी रख सकते हैं।
वैसे हमने इसे किचन में नहीं बल्कि बच्चों के बुक्स और स्टेशनरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल किया है। आप आपके कन्वीनियंट के हिसाब से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये शेल्फ डिवाइडर, जिसे कई तरह से आप अपने किचन में यूज कर सकते हैं। इसकी लेंथ होगी 8.5 इंच, इसकी चौड़ाई होगी 12 इंच और हाइट में तकरीबन 5.5 इंच है, तो साइज काफी अच्छा है। क्वालिटी की बात अगर करें तो ये काफी फिनिशिंग के साथ आया है। ये ज्यादा वेट को भी अच्छी तरह से होल्ड कर लेगा। हमने इसे कैबिनेट में रखने के लिए यूज किया है। पहले हम इसका इस्तेमाल अपनी पैंट्री को ऑर्गेनाइज करने के लिए करते थे। यहाँ कुछ आइडियाज हमने आपके साथ शेयर किए हैं। आप देख सकते हैं छोटे से कैबिनेट में हमने कितने सारे सामान को अरेंज किया है। आप आपके डेली एसेंशियल्स को रखने के लिए काउंटर टॉप पर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मीशो पर इसका प्राइस 271 रुपीज है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो प्राइस और भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है ये वुडन शेल्फ, जो MDF का बना हुआ है। इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। इसे तकरीबन 1.5 से 2 साल से यूज कर रहे हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई है 24 सेंटीमीटर और दोनों शेल्फ के बीच की लंबाई है तकरीबन 8 इंच और शेल्फ की चौड़ाई है 5 इंच। इस शेल्फ का इस्तेमाल करके आप अपनी किचन की वॉल के स्पेस को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप इसमें अपना स्नैक्स कॉर्नर, टी कॉर्नर या फिर पैंट्री सेक्शन भी बना सकते हैं। काफी यूजफुल प्रोडक्ट है, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। हमने इसे अमेजोन से अराउंड 750 में परचेस किया था। मीशो का प्राइस फिलहाल 549 रुपीज है। नेक्स्ट है ये वाइट ऑर्गेनाइजर, जिसकी टोटल लंबाई और चौड़ाई 13-13 इंच है, दो शेल्फ के बीच की हाइट 8.5 इंच है और शेल्फ की चौड़ाई 7 इंच है, तो बहुत ही कॉम्पैक्ट सा है। और आप देख ही सकते हैं काफ़ी सारा सामान हमने इसमें अरेंज करके रखा है। आप इसे काउंटर टॉप पर रखें या फिर इस तरह से वॉल पर हैंग करके स्पाइस जार को इस पर अरेंज करके रख सकते हैं। किचन के अलावा आप इसे घर में भी कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हमने इस पर हमारे मिक्सी के जार्स को अरेंज करके रखा है। ये ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है। 2 साल पहले हमने इसे काफ़ी महंगा परचेस किया था, लेकिन मीशो पर फिलहाल अभी ये 494 में है और कुछ एडिशनल डिस्काउंट के बाद ये इस प्राइस और भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है ये काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजर, जो आयरन का बना हुआ स्टर्डी रैक है। हमने इसे जब परचेस किया था इसका साइज चेक नहीं किया और जब ये रिसीव हुआ तो ये काफी छोटा लगा। पीछे इस तरह से होल दिए गए हैं जिससे आप इसे वॉल पर भी हैंग कर सकते हैं। 26 मीटर की ब्रेथ है और लेंथ में भी 26 सेंटीमीटर है और 14 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। आप इसे बाथरूम ऑर्गेनाइजर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कैबिनेट में भी इसे रख सकते हैं। साइज के लिए आप चेक कर सकते हैं। अगर आप काउंटर टॉप पर रखेंगे तो इतना ही सामान इसमें आएगा। अगर आपके लिए ये सूटेबल है तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। इसे हमने 230 रुपीज़ में परचेस किया था और प्राइस के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। फिलहाल हमने इसे इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इन रैक्स में से कौन सा रैक आपको सबसे ज़्यादा फंक्शनल लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल को हमें सपोर्ट करें। हमारे वीडियोस को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।